أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Today we will discuss about OSI model. आज हम OSI model के बारे में देखेंगे और OSI model का पूरा नाम Open System Interconnection Model है OSI model's full name is Open System Interconnection Model. It is actually used to describe the functions of a networking system. यानी जो आपके पास एक networking system है उसके functions क्या हैं उनको describe करने के लिए हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं OSI model इस्तेमाल करते हैं अब अगर हम देखें एक networking को तो उस networking में बहुत सारे जो है वो systems काम करते हैं बहुत सारे फंक्शंस जो वो मौजूद हैं जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एप्लीकेशंस भी हैं वायर्स भी हैं वन एंड ज़ीरो भी है एनक्रिप्शन भी है एड्रेसेस हैं सेंडिंग मैसेज चेकिंग फॉर एरर्स तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो नेटवर्किंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है OSI मॉडल ने क्या किया है OSI मॉडल ने इन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है 7 लेयर्स में और उसके उसमें उसका बेनिफिट ये है कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो गई है अब यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है OSI मॉडल के बग़ैर जो है वो नेटवर्क आपके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस एक ही जगह पे हो रहे हैं अब अगर आप OSI मॉडल को देखें तो इसमें आपको देखें आपको 7 लेयर्स नज़र आ रही हैं ये स्टार्ट होती है फिज़िकल से फिर डाटा लिंक लेयर है फिर नेटवर्क लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है सेशन लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है इसमें जो आपके पास 3 लेयर्स हैं फिज़िकल डाटा लिंक और नेटवर्क ये हार्डवेयर से रिलेटेड हैं जबकि जो ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो अगर देखा जाए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल यानी OSI मॉडल को बेसिकली दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिकल देन डाटा लिंक द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द एप्लीकेशन लेयर अब अगर हम सबसे पहली जो लेयर है फिजिकल लेयर उसकी बात करें तो उसमें अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको मोस्टली जो हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होंगी जैसे इसमें हब एंड रिपीटर आपको नज़र आ रहा है पैच पैनल है और वायर्स हैं वॉल जैक है NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डिवाइसेस हैं यानी जितनी हार्डवेयर से रिलेटेड हैं चीज़ें वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़ कंसर्न्ड विद electrically or optically transmitting raw unstructured data bits across the network from the physical layer of the sending devices to the physical layer of the receiving devices. It can include specifications such as voltage, pin layout, cabling, radio frequencies. At the physical layer, one might find physical resources such as network hubs, cabling, रिपीटर नेटवर्क अडॉप्टर्स और मॉडल्स यानी अगर फिज़िकल लेयर के हवाले से हम बात करें तो फिज़िकल लेयर आम तौर पे जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं जैसे नेटवर्क हब्स हैं केबलिंग है रिपीटर्स है नेटवर्क अडॉप्टर्स हैं मॉडल्स हैं ये सारे के सारे आपके फिज़िकल लेयर के अंदर शामिल हैं अब देखना ये कि ये फिज़िकल लेयर काम क्या करती है तो फिज़िकल लेयर बेसिकली इट मूव्स डाटा बिटवीन डिवाइसेस यानी डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा की मूवमेंट है वो किसके थ्रू है वो फिज़िकल लेयर के थ्रू है फिज़िकल लेयर के बाद हम देखेंगे डाटा लिंक लेयर को द डाटा लिंक लेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल दिस लेयर डिफाइंस हाउ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स access the media and what transmission methods they use यानी basically इस layer ने define करना है कि networking components जो है वो media को कैसे access करेंगे
और वो कौन से ट्रांसमिशन मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब डेटा लिंक लेयर को अगर देखें तो उसमें आपको दो सब लेयर्स मिलेंगी, एक है मैक जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल करते हैं, और दूसरा है LLC जिसको हम लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहते हैं। मैक के हवाले से अगर देखा जाए, दिस लेयर विच इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ डाटा लिंक लेयर, इट इज़ अ सब लेयर बेसिकली, इट डिफाइंस हाउ द डाटा पैकेट्स आर प्लेस्ड इन द मीडिया। यानी बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि डाटा पैकेट्स को मीडिया पे किस तरह रखा जाएगा। इट आल्सो प्रोवाइड्स फिजिकल एड्रेसिंग जिसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, ये वो प्रोवाइड करेगा। मैक एड्रेस एक्चुअली करता क्या है, इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ होस्ट इन लोकल नेटवर्क। यानी अगर एक नेटवर्क के अंदर आप एक होस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसका मैक एड्रेस या जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं वो चाहिए। अब जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, ये सब लेयर है, ये क्या करती है, इट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ये देखती है कि कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम देखें, ये जो हम अपनी देख रहे थे डाटा लिंक लेयर के हवाले से, तो डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस यहाँ पे आपको बॉक्स में नज़र आएंगे, डिफाइनिंग फिजिकल एड्रेसेस, फाइंडिंग होस्ट इन लोकल नेटवर्क, स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स टू एक्सेस द मीडिया आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस लेयर। स्विचिंग टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, स्विच एंड ब्रिज वर्क इन दिस लेयर, HDLC, PPP, फ्रेम रिले आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लेयर। नेक्स्ट लेयर जो थर्ड लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज द नेटवर्क लेयर। दिस लेयर टेक्स डाटा सेगमेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एड्स लॉजिकल एड्रेस टू इट। यानी बेसिकली ये नेटवर्क लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा सेगमेंट को लेती है और उसके अंदर लॉजिकल एड्रेस को ऐड कर देती है। अब अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो अ लॉजिकल एड्रेस हैज़ टू कंपोनेंट्स, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं लॉजिकल एड्रेस में, एक उसका नेटवर्क पार्टीशन है और दूसरा होस्ट पार्टीशन है। नेटवर्क पार्टीशन इज़ यूज टू ग्रुप नेटवर्किंग कंपोनेंट्स टूगेदर, वाइल होस्ट पार्टीशन इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ सिस्टम ऑन अ नेटवर्क। लॉजिकल एड्रेस इज़ नोन एज IP एड्रेस। हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल एड्रेस को डील कर रही थी, जबकि ये नेटवर्क लेयर है ये लॉजिकल एड्रेसेस को डील कर रही है। अब अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो इट डिफाइंस लॉजिकल एड्रेस एंड फाइंड द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर। यानी इस लेयर के मेन फंक्शंस क्या हैं, एक तो लॉजिकल एड्रेस को डिफाइन करना और फिर जो बेस्ट पाथ है वो फाइंड करना ताकि डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुँचा जा सके। अब जो राउटर्स हैं वो आमतौर पर इस लेयर में वर्क करते हैं। राउटिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, IP, IPX, Apple Talk आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस लेयर। तो ये हमने नेटवर्क लेयर के हवाले से बात की। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये सेगमेंटेशन करती है। सेगमेंटेशन से क्या मुराद है, ऑन सेंडिंग कंप्यूटर इट ब्रेक्स डाउन डाटा स्ट्रीम इनटू स्मॉलर पीसेस बिफोर ट्रांसमिशन। यानी ट्रांसमिशन से पहले जो आपकी डाटा स्ट्रीम है उसको वो ब्रेक डाउन करेगी स्मॉल पीसेस में। ईच स्मॉल पीस इज़ नोन एज सेगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, हर छोटे पार्ट को वो हम सेगमेंट कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाटा इनटू स्मॉलर पीसेस इज़ नोन एज सेगमेंटेशन। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हम उस सारे डाटा को छोटे पार्ट्स में, छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो एक फंक्शन है वो है सेगमेंटेशन, यानी डाटा स्ट्रीम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, जिन पीसेस को हम सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद इस लेयर ने क्या करना है, डाटा ट्रांसपोर्टेशन करनी है। वो कैसे, दिस लेयर एस्टेब्लिशेस अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन सेंडिंग सिस्टम एंड रिसीविंग सिस्टम। यानी बेसिकली सेंडर
और रिसीवर के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन ये इस्टेब्लिश करेगा एंड यूजेस दैट कनेक्शन टू प्रोवाइड एंड टू एंड डेटा ट्रांसपोर्टेशन. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्टेशन. उसके अलावा एक और जो फंक्शन है इस लेयर का वो है मल्टीप्लेक्सिंग. थ्रू द यूज ऑफ पोर्ट नंबर्स दिस लेयर आल्सो प्रोवाइड कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग. कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेंड एंड रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली. इससे मुराद ये है कि ये क्या करेगा, बेसिकली मल्टीपल एप्लीकेशंस को अलाउ किया जाता है कि वो एक ही वक्त में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन फंक्शंस को, तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेगमेंटेशन करता है, डाटा ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारे फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के. अब इसमें ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, तो इट यूजेस TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP. TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. ये बेसिकली रिलायबल डाटा डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ लेयर है वो है सेशन लेयर. सेशन लेयर इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल. ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप, मैनेजिंग एंड डिसमेंटलिंग सेशंस बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंटिटीज एंड प्रोवाइड डायलॉग बिटवीन कंप्यूटर्स. यानी बेसिकली जो सेशंस जनरेट करना, उनको मेंटेन रखना और फिर उन सेशंस को ख़त्म करवाना जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर हम इसके मेन फंक्शंस को देखें, द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स. दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो एस्टेब्लिश करना है, सेशन को एस्टेब्लिश करना है. सेशन से मुराद क्या है कि जब डाटा सेंड किया जाएगा और दूसरे एंड पर रिसीव होगा तो वो पूरे का पूरा एक सेशन है. इसमें अगर हम सेशन लेयर की एग्जांपल्स को देखें तो RPCs, NFS ये एग्जांपल्स हैं सेशन लेयर की. सिक्स लेयर हमारे पास जो है वो बेसिकली कहलाती है प्रेजेंटेशन लेयर. एप्लीकेशंस रनिंग इन लोकल सिस्टम मे आर मे नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डाटा अक्रॉस द नेटवर्क. यानी नेटवर्क पे डाटा जिस फॉर्मेट में ट्रांसमिट किया जाता है, जो एप्लीकेशंस आपके लोकल सिस्टम पे रन कर रही हैं, हो सकता है वो उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सकें. अब प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे अपना काम करती है. द प्रेजेंटेशन लेयर वर्क एज ट्रांसलेटर इन OSI मॉडल. ये आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है. यानी when receiving data from application layer, it converts that data in such a format that can be sent over the network. यानी डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि उसे नेटवर्क पे भेजा जाए, और रिसीविंग एंड पे डाटा को वापस कनेक्ट करना, कन्वर्ट करना उस फॉर्मेट में जो कि उस एप्लीकेशन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें. तो मेन फंक्शंस इसके क्या हैं, कन्वर्ट, कंप्रेस एंड एनक्रिप्ट, ये इसके मेन फंक्शंस हैं. कन्वर्जन करना, कंप्रेशन करना और एनक्रिप्शन करना. अब हम लास्ट लेयर को देखते हैं जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं. दिस इज़ द लास्ट एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. दिस लेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रनिंग इन सिस्टम एंड नेटवर्क. यानी बेसिकली ये क्या करता है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो हैं उनके दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अब अगर हम इस टॉप लेयर के फंक्शंस को देखें, टॉप लेयर ऑफ OSI मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर विच प्रोवाइड्स द प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज दैट रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशंस. यानी जिन एप्लीकेशंस को आपने कनेक्ट करवाना है आपस में, उनको ये प्रोटोकॉल और सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, FTP है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TFTP, POP3, SMTP, HTTP, ये एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स की जो इस लेयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं. अगर हम समरी सी देखें तो इसमें OSI में फिज़िकल लेयर है. ये क्या करती है,
मूव्स डाटा बिटवीन डिवाइसेस। डाटा लिंक लेयर है, ये क्या करती है, प्रिपेयर डाटा फॉर ट्रांसमिशन। नेटवर्क लेयर है, ये क्या करती है, प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ब्रेक्स डाटा स्ट्रीम इन स्मॉलर सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड रिलायबल एंड अनरिलायबल डाटा डिलीवरिंग। सेशन लेयर क्या कर रहा है, इनिशिएट एंड टर्मिनेट सेशन विद रिमोट सिस्टम। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, एनक्रिप्शन, फॉर्मेट एंड कंप्रेस द डेटा फॉर ट्रांसमिशन। और जो लास्ट लेयर है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। ये 7 लेयर्स थी जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में या OSI मॉडल में इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन्स पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।